हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ घर में बना हुआ साबुन, जिसे मैं बनाऊंगी हल्दी, नींबू और शहद से। ये स्किन ब्राइटनिंग सोप है। इससे आपके शरीर के, आपके फेस के दाग धब्बे भी हटेंगे और आपकी स्किन को टैन फ्री भी करेगा ये। और इसमें केमिकल की मात्रा बाजार के सोप के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम है। इस साबुन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बेस सोप, जो कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट हर जगह अवेलेबल है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब इस सोप बेस को हम पैकेट से अलग करेंगे। जितना आपको ज़रूरत हो उतना ही प्लास्टिक से अलग निकाल कर रखें, बाकी सबको फिर से आप प्लास्टिक के अंदर पैक करके फ्रिज में रख दीजिए। ये आधा किलो का ब्रिक है। मुझे चार साबुन बनाने हैं तो मैं इसका 1/4 पार्ट हिस्सा काट कर अलग कर रही हूँ। तो इतने बेस में चार सोप बनकर तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। इस साबुन को हम छोटे टुकड़ों में काटने के बाद मेल्ट करेंगे। तो मेल्ट करने के लिए आप डबल बॉयलर मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास अवन है तो आप इसे अवन में मेल्ट करें, उसमें ये ज़्यादा इजीली हो जाएगा। और इसके अलावा थर्ड ऑप्शन ये है कि आप इसे किसी भी बर्तन में या कढ़ाई में डायरेक्टली मेल्ट कर सकते हैं, बस आपको आँच को बिल्कुल धीमा रखना होगा। मैं इसे मेल्ट करूँगी माइक्रोवेव में, जिसमें मैंने 3 मिनट का टाइमर सेट किया था, लेकिन ये केवल 30 से 40 सेकंड में ही मेल्ट हो गया। तो मैं माइक्रोवेव को ऑफ करके इसे बाहर निकाल लेती हूँ। तो इस सोप में ऑलरेडी ग्लिसरीन की मात्रा होती है, तो आइए इसमें कुछ और अच्छी चीज़ें डालते हैं, जिससे कि ये आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा बन जाए। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून शहद। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस, जिसे हम छान कर ऐड करेंगे। नींबू में नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, तो ये आपके स्किन को ब्राइट भी करेगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप इस प्रोसेस को थोड़ा सा तेज़ी से करें, जिससे कि ये ठंडा होने से पहले ही अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब ये मिक्स हो चुका है, आइए इसे हम मोल्ड में डालते हैं। तो ये मोल्ड भी मैंने ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले हम इसमें लेमन के स्लाइसेस रख देते हैं, जिससे कि नींबू की भीनी भीनी खुशबू आपके साबुन में आ जाए। अब हम इसमें डालेंगे ये तैयार किया हुआ लिक्विड सोप। अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो आप किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में अपने सोप को सेट कर सकते हैं। तो मैंने अपने चारों साबुन को मोल्ड में डाल लिया है। अब आप इसे 30 से 40 मिनट तक ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें, और उसके बाद आपका साबुन जम जाएगा और आप उसे मोल्ड से बाहर निकाल लें। अगर आप इसे फ्रिज में सेट करते हैं तो ये केवल 10 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखा आपने घर में साबुन बनाना कितना आसान है। अब आप भी घर में ये सोप बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको घर में बना हुआ ये साबुन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और भी ज़्यादा सोप्स की रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।